हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है एनाटॉमी में फिजियोलॉजी की डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसा कि बीपीएससी 2023 टीजीटी का एग्जाम जल्द से जल्द होगा, आपके पास टाइम नहीं है। इस सबको देखते हुए मैंने चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए वीडियो में डेली बेसिस पे आपके समक्ष ला रही हूँ। आप डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए और 100% सलेक्शन होगा। एंड दोस्तों, ये केवल बीपीएससी टीजीटी 2023 फिजिकल एजुकेशन के लिए ही नहीं है, अदरवाइज सभी और फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक। यदि आप थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी सेक्शन को चेक करके सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज कॉल्ड? तो ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहा जाता है। यहां पे राइट है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस में यकृत यानी कि लीवर कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को अवशोषित करके ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर इसका संग्रहण कर लेती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र स्थान लेता है, तो कहां पे? वेयर डज द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस? तो कौन सा स्थान लेता है? माइटोकांड्रिया में। कहां पे लेता है? माइटोकांड्रिया में। जैसे कि दोस्तों, जो वायवीय श्वसन होता है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन होता है, वह होता है आपका कोशिका द्रव्य में, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में परिवर्तन होकर के 2 ATP का निर्माण होता है, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में, वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और फिर वह जाता है 2 पाइरूविक अम्ल माइटोकांड्रिया में, जहां पे क्रेब्स साइकिल चलता है, वहां पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को ATP यानी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसी को क्रेब्स चक्र कहते हैं। वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वह होता है आपका माइटोकांड्रिया में, जिसके द्वारा ऊर्जा बनता है, ATP का 36 ATP का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन के द्वारा यानी एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा माइटोकांड्रिया में 36 ATP का निर्माण होता है, एंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा कोशिका द्रव्य में यानी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा 2 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत एक ग्लूकोज के जारण से 38 ATP का निर्माण होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे माइटोकांड्रिया राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है। नेफ्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन सूक्ष्म किसकी संरचना है? तो यह है गुर्दे की यानी कि किडनी की। यह रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक ब्रिकेज यानी कि गुर्दे में किडनी में लगभग 130,000 सूक्ष्म नलिकाएं या नेफ्रॉन होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन ब्रिके की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहां होता है? भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहां होता है? वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस? तो दोस्तों, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कहां पे होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतों में भोजन का पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण होता है। जैसे कि भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है हमारे मुख में टाइलेन एंजाइम के द्वारा, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एंड पूर्ण पाचन पूर्ण अवशोषण की बात करें, पूर्ण कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स? तो प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? यहाँ पे है आपका लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन,
ये तीनों के तीनों एंजाइम स्रावित होते हैं आग्नाशय से, जो कहाँ पे जाकर के भोजन का पाचन करते हैं, छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम में। तो स्रावित कहाँ से होते हैं, तो आग्नाशय से। पाचन कहाँ पे करते हैं, तो छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम में आकर के, जहाँ से पित्त रस भी वहाँ पे आके मिलता है और अग्नाशय रस भी आके मिलता है। तो लाइपेज जो होता है पित्त रस के साथ मिलकर के वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है, यानी वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, जो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, यानी प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन इसमें कौन सा एंजाइम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद कौन सा है। द लार्जेस्ट केमिकल प्रोडक्शन यूनिट इन द बॉडी इज, तो वो है आपका यकृत यानी कि लीवर, सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद है या पित्त रस का निर्माण करता है, जो वसा का पाचन करता है और वसा में घुलनशील विटामिनों को शरीर में अब्जॉर्ब करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का 70% हिस्सा बना होता है, तो शरीर का 70% हिस्सा किससे बना होता है। 70% ऑफ द बॉडी इज मेड ऑफ आप, तो वो होता है वाटर से, यानी कि पानी से, बाय वाटर यानी जल। शरीर का लगभग 65 से 70% भाग बनाते हैं, जिसमें 4 से 7 लीटर जल पीना आवश्यक है। यह मुख्य कार्य करता है आधारभूत विलायक का और पाचन का, अम्ल क्षार संतुलन का, शरीर ताप को संवेदन या पसीना या वाष्प द्वारा वाष्प निकालने में, यानी गंदगी को निकालने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन ग्रंथि आग्नाशय शरीर के किस तरफ होती है। ऑन विच साइड ऑफ द बॉडी इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड पैंक्रियाज, किस तरफ होती है, तो यह होती है आपका बाई तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम पानी में तापमान को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा होती है। यहाँ पे टेलीविजन टाइप हो गया है, यहाँ पे कैलोरी होगा दोस्तों, क्या होगा, कैलोरी, ठीक है, यहाँ पे कैलोरी होगा, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम पानी में तापमान को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा होती है, यानी कि 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर इन 1 ग्राम वाटर। तो दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम पानी को कितना तापमान में बढ़ाएंगे तो 1 कैलोरी के बराबर होगा, तो वो होता है आपका 1 डिग्री, कितना, 1 डिग्री। यानी कि प्रत्येक वस्तु को गर्म करने के लिए ऊष्मा यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और गर्म वस्तु जब ठंडी होती है तो ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलती है। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ऊष्मा ऊर्जा की माप कैलोरी या किलो कैलोरी में किया जाता है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग 4.2 जूल कार्य कर रह सकती है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, 4.1। उसी तरह 1 ग्राम 1 कैलोरी का मतलब होता है आपका जितना जल के तापमान को गर्म करने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप गर्म 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में जितना ताकत यानी एनर्जी लगता है, ताप लगता है, वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण आहारीय तत्व क्या है। विच इज द इम्पोर्टेंस डायट्री एलिमेंट फाउंड इन फिश, तो वो है आपका ओमेगा 3, क्या है, ओमेगा 3। मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण आहारी तत्व है ओमेगा 3, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्राप्त करने के लिए अधिकतर लोग मछली के तेल की गोलियां लेते हैं, जिसे हम फिश कॉड लीवर आयल भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम
शरीर के भार के लिए प्रति घंटा मूल्य ऊर्जा अपेक्षित है, यानी कि एक किलोग्राम शरीर के भार के लिए प्रति घंटे में कितना ऊर्जा आवश्यकता होती है। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर आवर फॉर 1 kg बॉडी वेट, तो वो होती है आपका 1.3 कैलोरी। कितना? 1.3 कैलोरी। और जब आप एक्सरसाइज या व्यायाम या कोई क्रिया कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 8.5 कैलोरी आवश्यकता होती है प्रति घंटे प्रति किलो के लिए। अब जब आप साधारण स्थिति में है तो शरीर के भार के लिए प्रति घंटा के लिए 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 65 kg वजन है आपका, तो 1.3 × 24 × 65 करेंगे तो यानी 228 कैलोरी की कम से कम आवश्यकता होगी 65 kg के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए जो वर्कआउट ज़्यादा नहीं करता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध मक्खन और घी प्रदान करते हैं, प्रोवाइड मिल्क बटर एंड घी, ये क्या प्रदान करते हैं, कौन सी विटामिन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विटामिन ई और के, विटामिन ई एंड के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मेंट बाय कार्बोहाइड्रेट लोडिंग यूज्ड बाय एथलीट, तो इसका मतलब होता है लोड मतलब भंडारित करना, जमा करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन मसल्स, यानी मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मतलब होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। यह एथलीटों के मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण का काम करता है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होकर के, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित शारीरिक विकास का मुख्य रूप से परिणाम है, त्वरित शारीरिक विकास का एक्सीलरेटेड फिजिकल डेवलपमेंट इज मेनली द रिजल्ट ऑफ, तो जो शारीरिक विकास है त्वरित रूप से हो अच्छा से हो तो वो आपका निर्भर करता है चयापचयी परिवर्तन का, चयापचयी परिवर्तन का यानी कि मेटाबॉलिक चेंजेज का। यदि आप मेटाबॉलिज्म सिस्टम यानी कि पाचन जो क्रिया है अच्छे ढंग से होगा तो आपका जो शारीरिक विकास होगा त्वरित रूप से होगा, अच्छे ढंग से होगा। यानी चयापचय का अध्ययन यानी मेटाबॉलिज्म का अध्ययन मान्य रूप से अपघटीय तरीकों से किया जाता है जो एक चयापचय पथ मार्ग पर केंद्रित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र को के कार्यों को सही अनुक्रम में चयन करें, सेलेक्ट द फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द करेक्ट सीक्वेंस। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका MP TET में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा पाचन तंत्र के कार्यों का सीक्वेंस, ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, अमलोत्सर्जन यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन, यानी कि पाचन के 4 चरण होते हैं। पाचन के कितने चरण होते हैं? 5, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, इन मतलब कि अंदर लेना, याद रखिएगा। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को मुख द्वार मुख के गुहा के अंदर धारण करना, जहां पे लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है और टाइलिन एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस प्रकार मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा स्टार्ट होता है डाइजेशन यानी कि पाचन, पहला अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, दूसरा पाचन, डाइजेशन यानी भोजन का छोटे छोटे तत्वों में टूटना यानी खाए हुए अविलीय ठोस भोजन को घुलनशील एवं अवशोषणीय रूप में परिवर्तित करना ही भोजन का पाचन कहलाता है। पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद अमाशय के अम्लीय अम्लों द्वारा पाचन होता है, फिर भोजन का पूर्ण पाचन अवशोषण होता है छोटी आंत में। तीसरा स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, अब अंतर्ग्रहण ले लिए भोजन, पाचन भी हो गया, अब उसका जो पोषक तत्व है उन सबको अवशोषण होगा, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण यानी पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। जैसे कि छोटी आंत में जाकर के अवशोषण होता है, छोटी आंत में बिलाई होता है, उंगलियों जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त वाहिनियां बिखरी होती है जो पोषक तत्वों को अवशोषण कर लेती है, तो बिलाई द्वारा होता है, छोटी आंत द्वारा आहार नाल की दीवारों द्वारा शोषित होकर रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है।
यानी भोजन का अवशोषण ग्रहण से ही प्रारंभ, यानी ड्यूडेनम से ही छोटी याद के पहली भाग से ही प्रारंभ हो जाता है। औषधि और एल्कोहल का अवशोषण आमाशय में होता है, याद रखिएगा, यानी स्टोमच में, और पचे हुए भोज्य पदार्थों का पूरी तरह से अवशोषण छोटी याद में होता है, और छोटी याद की बिलाई में रसायन कुरो द्वारा छोटे छोटे रोएं जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त तथा लसिका वाहिनियां होती हैं जो पोषक तत्वों को अवशोषण कर लेती हैं। जल व खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी याद में, तीन चीजें याद रखिएगा, औषधि का और एल्कोहल का, इसका अवशोषण होता है आमाशय में, स्टोमच में, और पचे हुए भोज पदार्थों का पूरी तरह से अवशोषण छोटी याद की बिलाई के द्वारा होता है, एंड जल व खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी याद में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन, यानी कि अंतर्ग्रह हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण भी हो गया, अब उसका उपयोग करेंगे हम अपने कार्य करने के दौरान, स्वांगीकरण। चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण, यानी पोषक तत्वों का उपयोग होना, यानी कि जो अवशोषित भोजन है का शरीर द्वारा कोशिकाओं के द्वारा उपयोग में लाया जाना, जैसे कि अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचकर अमोनिया में टूट जाता है जिससे यूरिया का निर्माण होता है, वह मूत्र के साथ शरीर से बाहर हो जाता है। एंड पांचवा यानी लास्ट स्टेप होता है इजेक्शन, यानी बहिष्करण, यानी मलोत्सर्ग, अवशिष्ट पदार्थ जो होता है पचने के बाद, अवशोषण के बाद, उपयोग होने के बाद जो ऐसे मलमूत्र होता है वो बाहर निकलता है, उसी को कहते हैं इजेक्शन, यानी बहिष्करण, यानी अनपचा भोजन अंत में बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। यहां कोई एंजाइम नहीं होता, अतः कोई पाचन नहीं होता, अतः मल में जो दुर्गंध होता है इंडोल और इसके टोल नामक पदार्थ के कारण होता है। यहां पे ये पांच स्टेप थे, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, पांच पाचन के स्टेप थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर का गठनात्मक तत्व है, क्या है गठनात्मक तत्व? द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, तो वो होता है आपका प्रोटीन, यानी शरीर का गठनात्मक तत्व है जो प्रोटीन, कार्बन, जो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर नामक तत्वों से बनी होती है। प्रोटीन नए उत्तकों यानी टिश्यू को बनाती है, टूटे फूटे उत्तकों को मरम्मत करती है, जल तथा अम्लों को संतुलन को नियमित करती है, भूख की हालत में प्रोटीन ताकत के स्रोत के रूप में कार्य करती है, हालांकि यह अन्यथा ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है, यानी कि हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट की खत्म हो जाती है तो वसा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा देता है, अब वसा भी खत्म हो जाती है तो प्रोटीन ही ऊर्जा के कन्वर्ट होकर के ऊर्जा देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चय अपचय अनुकूलन है, यानी इज मेटाबॉलिज एडॉप्टेशन, तो ये क्या है चय अपचय अनुकूलन, क्या है कि बढ़े हुए कार्यभार के साथ चय अपचय दर का समायोजन ही चय अपचय अनुकूलन है, यानी मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन है। चय अपचय अनुकूलन यानी मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन जो है बढ़े हुए कार्यभार के साथ चय अपचय दर का समायोजन करता है, यानी चय अपचय यानी मेटाबॉलिज्म में जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। चय अपचयन की एक खास बात यह है कि जातियों में बड़ी भिन्नताएं होने पर भी उनके मूल चयापचय यानी मेटाबॉलिक मार्ग और अंश समान प्रकार के होते हैं, अतः सिट्रिक एसिड चक्र में माध्यमिक भूमिका निभाने वाले कार्बोऑक्सिलिक एसिड एक कोशिकीय बैक्टीरिया, हाथियों, बड़े बहुकोशिकीय जीवों तक सभी में पाए जाते हैं मेटाबॉलिज्म में प्रक्रिया। ये मेटाबॉलिज्म की एक खास समानता है, संभवतः इन मार्गों की उच्च कार्यक्षमता और विकास के इतिहास में उन्हें जल्दी प्रकट होने के कारण होती है, यानी मेटाबॉलिज्म सिस्टम ये जो है समस्त प्राणियों में पाई जाती है जिसके द्वारा जो है भोजन अच्छे से ऑब्जर्व होता है, शरीर का विकास होता है। अगर मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो गया तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में पचे हुए खाद्य पदार्थ किससे अवशोषित होते हैं? What are the digested foods absorbed in the small intestine? तो छोटी आंत में बिलाई होता है, क्या होता है? बिलाई, जिसमें लसिका वाहिनियां, रक्त वाहिनियां फैली होती है जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती हैं। एंड जो ये दीवार के क्षेत्रफल को 600 गुना बढ़ा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व जल में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण सीधे रुधिर में होता है, जबकि वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण लसिका में या लिम्फ में होता है, इसका इस लसिका वाहिनियों को लैक्टियल्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आहार तत्व शरीर में ताप तथा ऊर्जा नहीं उत्पन्न करते। द फॉलोइंग डायट्री एलिमेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी,
तो हीट एंड एनर्जी यानी कि ताप और ऊर्जा कौन उत्पन्न नहीं करता, प्रोटीन भी करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा तीनों करता है, बट विटामिन एंड खनिज लवण यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स सॉल्ट जो है वो आपका कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ये हमारे शरीर की ये सूक्ष्म पोषक तत्व है यानी शरीर की रोगों से रक्षा करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय अनुपात होता है, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय कितना होता है दोस्तों, तो इसका होता है आपका 1.50 यानी कि 1.50 कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय होता है, यानी कि ये कितना आपका कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया गया और ऑक्सीजन का कितना उपयोग किया गया इस अनुपात में होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय अनुपात 1.50 होता है, जिसमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु, 50H हाइड्रोजन समूह और एल्डिहाइड्रेट समूह होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन पदार्थ है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर में रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन की कुछ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि मंड, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये इस रूप में बदल करके कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो अम्ल की सर्वोत्तम व्याख्या वह अमीनो अम्ल है, यानी कि द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इज विच अमीनो एसिड, ये आवश्यक अमीनो एसिड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आवश्यक अमीनो एसिड जो भोजन के द्वारा लिया जाता है, कम से कम 20 से 22 अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें से पाए जाते हैं, जिसमें से 9 अमीनो एसिड एसेंशियल यानी कि आवश्यक होते हैं और 13 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं। जो 9 अमीनो एसिड होते हैं जो आवश्यक होते हैं जो भोजन से प्राप्त किए जाते हैं, उसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, थ्रियोनाइन, वेलिन, टॉफोफान, हिस्टिडिन आदि आते हैं। एंड 13 आपके अमीनो एसिड अनावश्यक होते हैं जो शरीर स्वयं निर्माण करता है भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद। यहाँ पे क्या पूछा है, आवश्यक अमीनो अम्ल की सर्वोत्तम व्याख्या वह अमीनो अम्ल है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो प्रोटीन संरचना हेतु आवश्यक है किंतु अधिकांशतः जिनको शरीर उत्पन्न नहीं करता उसे कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, जिसकी संख्या होती है 9 और अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 13, यानी प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूटकर हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और जो हमारे शरीर की कोशिकाओं की और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करता है। तो इस प्रकार 20 से 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो होगा आपका सिक्रेशन सिस्टम यानी स्त्रावी तंत्र, जिसमें अंतर स्त्रावी और बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए